Welcome back with the last topic of your chapter, that is five, chapter one, crop production and management, class A. So here I am again. मैं फिर से start कर लेती हूँ आपका last topic है इस chapter का और यही सबसे interesting वाला लगता है मुझे. पूरा process जो अब तक हमने सीखा, पूरा animal, पूरा सारा crop cultivation का और पूरा process उसमें implements का, agriculture field, everything. I hope you people are also doing at home. छोटी सी cropping, छोटा सा agriculture field अपने घर में भी बना सकते हो. I hope you people are doing. नहीं करना है तो अब तक स्टार्ट कर दो उसे. इट्स रियली इंटरेस्टिंग वर्क. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. एवरीबडी नोज कि हमें एनिमल्स से क्या क्या फूड मिलता है. वी ईट एग्स, वी ईट मीट, सम पीपल ऑल्सो ईट मीट एंड वी गेट मिल्क ऑल्सो. मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमें दिन भर में एक या दो ग्लास मिल्क जरूर लेना चाहिए और एग्स भी डेली वन लेना चाहिए. सो जो मैं ये बता रही हूँ कि मिल्क लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, इससे क्या होता है, इससे यील्ड बढ़ती है, मतलब डिमांड बढ़ गई है. इफ एवरी पीपल इज हैविंग द मिल्क एंड एग्स एंड मीट तो उसकी डिमांड बढ़ गई. अब डिमांड बढ़ गई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. ऑब्वियसली बात है, साइंटिफिक तरीके से उन एनिमल्स को एक रियरिंग करनी पड़ेगी उनकी, राइट. मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर फार्म्स के बारे में, राइट. तो जब ये एग्रीकल्चर फार्म्स की बात हो रही है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री. इसमें क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को ग्रो किया जाता है फार्म में, उनकी टेक केयर की जाती है ताकि वो हेल्दी रहें और हमारे जो यूजफुल थिंग उनसे मिल रही है, मिल्क, एग, वो सब हमारे लिए हेल्दी मिले. और फिर वो जब उसको बेचते हैं और उसको सेल करते हैं तो उससे उनको प्रॉफिट मिलता है. दिस इज व्हाट वी नोन एज प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर देयर प्रॉफिट. आपने देखा होगा कि किसी के अगर विलेज में या होम टाउन में बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहां पर एनिमल्स को ग्रो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब एनिमल्स कौन से ग्रो किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक ब्रीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर. अभी बिहेवियर मैंने क्यों लिया, क्या हम लाइन को ग्रो कर सकते, ऐसे ब्रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर हमने अलायंस करा तो नेवर ईट अस ओनली. तो नॉट लायंस, वी ब्रीड ओनली एनिमल्स लाइक गोट, हेन, कैमल भी करते हैं, हॉर्स भी करते हैं. यू पीपल एड मोर आइडियाज और मोर एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू यू पीपल, जो आपने देखा होगा. यहाँ लोकल में भी कई बार कुछ मैंने देखा है, जैसे कि आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल, ऑन द वे टू माय स्कूल कुछ लोग गोट्स की भी रियरिंग करते हैं, अपने घर में भी करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द एनिमल एंड डिमांड ऑफ द थिंग्स, राइट. तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. व्हेन वी ग्रो, व्हेन वी रियर एनिमल्स फॉर अवर प्रॉफिट, टू सेल देम एंड टू गेट मनी. क्लियर. नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड नंबर ऑफ एनिमल्स टू बी इंक्रीज. आई टोल्ड यू एज अ रियर. सो द पॉइंट्स आर फिनिश्ड, योर चैप्टर इज कंप्लीट. सो आई होप यू पीपल एंजॉयड द होल चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी एंड आई होप यू प्लीज पीपल कमेंट सो दैट आई कैन ऑल्सो यूज योर आइडियाज टू एड मोर इन द नेक्स्ट वीडियोज. आई एम गोना टीच नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोज. सो लेट्स डू, अब आगे देखते हैं और भी अमेजिंग वाले आइडियाज आएंगे. एंड यू पीपल प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स.